Dear students, good evening. Today we are going to do active passive. Active passive करने के लिए first of all हमें tense की knowledge होना जरूरी है कि जो given sentences हैं वो किस tense से belong करते हैं. तो students आपको पता ही है कौन कौन से tenses हैं, present, past, future. और further वो कितनी categories में divided है, four each. But today we will do only the one category, that is present. Students, present tense is further divided into four categories. Which one? Present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. But we will make the passive for only first three categories because fourth category mein passive nahi banta. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग एक्टिव पैसिव. एक्टिव पैसिव के लिए एक फॉर्मूला समझ लीजिए क्या है. इसमें आता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ठीक है, पैसिव बनाने के लिए हमें पांच शब्द चाहिए और हमें एक्टिव में दिए रखे होते हैं तीन वर्ड्स. अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का एक सेंटेंस है, राम ड्रिंक्स मिल्क. तो अब इसमें क्या होता है, राम जो सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा हुआ है, और मिल्क जो है वो ऑब्जेक्ट है. व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं और वर्ब की फॉर्म जो भी दे रखी होती है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है. इस चीज को अच्छे से समझ लेना. एक्टिव पैसिव में वर्ब की फॉर्म ऑलवेज थर्ड ही लगती है. तो नाउ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट? ऊपर के फॉर्मूला के हिसाब से देखिए, मिल्क ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, is helping verb हमने लगाया है because ये present indefinite का sentence है, और drunk I have told you verb की third form, और by के द्वारा राम subject. ठीक है, राम दूध पीता है, दूध राम के द्वारा पिया जाता है. Now clear? Now we are doing next present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है, उसमें इज़म आर के साथ किसी एक के साथ आईएनजी लगा रहता है. राम इज ड्रिंकिंग मिल्क. नाउ इधर आ जाइए, फिर से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में इंटरचेंज करके, मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाय राम. अब कंटिन्यूअस की क्या पहचान है कि आईएनजी तो उसमें होना ही चाहिए, तो थर्ड फॉर्म के साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इसमें क्या प्रोविजन है, बीइंग लगाने का प्रोविजन. स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग नाउ प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट टेंस की क्या पहचान रहती है कि इसमें हैज हैव तो लगा ही रहता है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी रहती है, और आपके लिए खुशी की बात है कि आपको अपने पास से दोबारा लगानी नहीं पड़ती है. तो राम हैज ड्रंक मिल्क. अब इसमें क्या लगता हैज या हैव जो भी लगा हो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बीन लग जाता है, हैज हैव या बीन. मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय राम. क्लियर? यस स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे. एक्टिव पैसिव अब इतने मुश्किल नहीं लगते होंगे. और नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी नेक्स्ट टेंसेस के ऊपर, कौन से हैं वो, पास्ट एंड फ्यूचर पे. थैंक यू.